इमरान खान की तरफ से रैवन मार्च के ऐलान पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तला'आत परवेज रशीद ने कहा है कि इमरान खान जो कुछ कर रहे हैं इससे मुल्क बदनामी का शिकार हो सकता है। खान साहब ने पहले ओई तोई का कल्चर अपनाया, फिर गालम ग्लोच का कल्चर इंट्रोड्यूस किया, अब वो लोगों के घरों के बाहर पहुँचने के कल्चर को फरोग देना चाहते हैं। यकीनन इससे मुल्क में लोगों में इश्तियाल भी पैदा होगा। दानियाल अजीज का कहना था कि इमरान खान अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं, उनकी अपनी ही पार्टी में फूट पड़ चुकी है। ये बेचारा अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है, अगर ये लोगों के घरों के ऊपर आना शुरू हो गया है तो कल को ये सियासत और ये दर्द ये दे रहा लोगों के जाके लोगों के घरों को तोड़े जहाँ चादर और चार दीवारी है। वज़ीर मम्लिकत बराए पानी और बिजली आबिद शेर ने कहा है कि इमरान खान सी पैक मंसूबे में रुकावट डालना चाहते हैं। उन्होंने लंदन में इमरान खान के बच्चों और तहरीक इंसाफ की क़यादत के घरों के बाहर एहतजाज का ऐलान भी किया।